है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए आज आपको कुछ अलग कुछ नया दिखाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे मुजाहिदीन आजादी वापस आ चुके हैं, ये गांधी जी आ रहे हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कोई वजह नहीं इसके लिए मारने को तैयार हूँ। ये हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम और मुजाहिद आजादी जवाहरलाल नेहरू भी वापस आ चुके हैं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी हमारे बीच मौजूद है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे भी हमारे बीच मौजूद है। देश सलामी इस तिरंगे को, जिसे तेरी शान है, सरूचा रखना हमेशा इसका जब तक दिल में जान है। चंद्रशेखर आजाद भी अपना नया भारत देखने वापस आ चुके हैं। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भगत सिंह भी आ रहे हैं। कदर वाकिफ है मेरे कलम मेरे जज्बातों से, मैं अगर इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम और मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद भी आ रहे हैं। क्या हमें ये एहसास नहीं कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है। बाल गंगाधर तिलक भी आ रहे हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब हमारे नए भारत को देखकर हमारे मुजाहिदीन आजादी का क्या कहना है ये सुन ले। देख रहे हैं आप सब, ये हमारा प्यारा भारत है। इतनी तरक्की हो गई है, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आता है। क्या आपको पता है भारत में विकास और व्यापार आत्मनिर्भर रूप से भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। अरे वाह बेटा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, पढ़ने के लिए हर शहर हर गांव हर कस्बे में विद्यालय हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद जी, डिजिटल इंडिया मूवमेंट से बदल रहा है भारत, टेक्नोलॉजी की ताकत से बेहतर हो रही है लोगों की जिंदगी। हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया के जरिए ला रहे हैं क्रांति, जल्द ही 5G सेवाएं शुरू होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। विज्ञान की तरक्की तो देखो, चारों तरफ विज्ञान की तरक्की तो देखो, आज हमारे पास तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार, हवाई यंत्र और दवाइयां हैं। सुभाष चंद्र जी आपको पता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश को अब जय विज्ञान जय अनुसंधान की जरूरत है। अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था। हमारे देश की बेटियों को देख रहे हो कितनी आगे बढ़ रही है।
शिक्षा में ही नहीं खेल जगत में भी नाम आगे लिया है। जी आपको एक महिलाएं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसी योजनाओं की भी शुरुआत हो चुकी है। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है ये देखकर कि मेरे भारत में कितने एम्स, कितने IIT और कितने विश्वविद्यालय खुल गए हैं। मौलाना अब कलाम आजाद जी, हाँ हाँ ये मुझे भी पता है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल हासिल किए हैं। आज मुझे अपने इस आत्मनिर्भर भारत को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे अपने हंसी खुशी हाथी पर चढ़ जाने का कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। हमारे बुजुर्गों ने आजादी का जो ख्वाब देखा था वो आज हम हासिल कर चुके हैं। हमें चाहिए कि हम इसको बरकरार रखें। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को अजीम शान बुलंदियों पर पहुंचाने की हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करें। यही मुजाहिदीन आजादी को सच्ची सिराज अकीदत होगी। आओ मिलजुल के पहले यही काम करे, सब इखलास और मोहब्बत का चलन आम करे। इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको ये करना होगा। अपने भारत को बुलंदी पर लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। जय हिंद। अभी रुको, इन लोगों को एक फोटो दिखा दीजिए।